एक बार फिर से स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम से। मैं अजय आपके साथ। गर्मी जबरदस्त है और इस गर्मी में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं अजय मेरूरी शाम। जी हाँ, बिग सिटी चक्र। और इस बार गर्मी की धुन बदल के तो देखो, अब गर्मी इतनी तेज है ना कि मतलब सूरज अंकल जो है उनकी हालत पता नहीं कहाँ से तपे हुए आ रहे हैं, हमको जबरदस्त तपा रहे हैं। अब घर में जब हम नहा के आते हैं, गीले होकर के आते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं सूख जाते हैं, और जैसे ही सूखे हुए बाहर आते हैं वैसे गीले हो जाते हैं। अजीब सी गर्मी है, लेकिन गजब फैंटास्टिक गर्मी है। ऐसे में लगता है कि यार कुछ अच्छा सा शरीर में उतर जाए, ठंडा ठंडा, तो एक ठंडक का एहसास हो। तो इसी ठंडक को लेने के लिए हम अजमेर शहर में जा रहे हैं, दिल बहार सोडा सिकंजी पर। आप सच मानिए, अजमेर का कोई बाशिंदा ऐसा नहीं होगा जिन्होंने यहाँ आकर के उनकी सोडा सिकंजी नहीं पी होगी। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या खास है इस सोडा सिकंजी में। एक बार बता दूं, वैसे तो अजमेर वालों को पता है, 9 नंबर पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर ये दिल बहार सोडा और सिकंजी का आप मजा ले सकते हैं। तो चलो आ जाओ। दिल बहार सोडा सिकंजी की खासियत ये है कि एक तो बहुत बड़े बड़े गिलास हैं, और दूसरा इनका बनाने का अपना स्टाइल है। और स्वागत एक अच्छे तरीके से। सर आपका नाम? किशन। किशन जी, ये जो सोडा बनाने की स्टाइल है ये कहाँ से सीखी आपने? सर ये आप लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद और प्रभु के आशीर्वाद से। जब ठेले पे जो आस पास चारों तरफ गिराई गिराई एकत्रित हो जाते हैं, तो मेरे को एकदम घबराहट सी लगती है कि इनको कैसे फेरी करूँ। अच्छा। और ऐसी गर्मी के अंदर जब लोग त्राही त्राही करते हैं, भैया पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे, तो अपने आप ही ऊपर से सारी शक्तियाँ मेरे में अंदर आती है, और मैं जल्दी 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 सभी लोगों को फास्ट सिकंजी बना के और बहुत जल्दी फास्ट बुला के उनको एक रिलीफ महसूस है। कितने साल हो गए? सर 1997 से ये मेरा काम शुरू हुआ था। अच्छा, 1997 में। दिन भर में कितने ग्राहक ऐसे होंगे जो ये सोडा सिकंजी से पूरे तृप्त होकर के आपके पास चले जाते हैं? एक्स्ट्रा डालते जाते हो यार आप, ये क्या है? सर ये बहुत जरूरी है, इनको नींबू पानी पिलाना बहुत जरूरी है सर, ताकि ये सब स्वस्थ रहे। अच्छा। और इसमें 4G एनर्जी मिले। 4G एनर्जी। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब कब से सोडा पी रहे हैं यहाँ आने का? मुझे तो साल भर हो चुका है। तो कुछ खास यूनिक बात लगती है? जिस जगह भी सोडा पी मैंने वहाँ पे इतना मजा नहीं था जो यहाँ पर मजा, जो पर यहाँ पर मजा था। आप कुछ कहना चाहेंगे इनके सोडा के बारे में? मैं यहाँ से 3 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। 3 साल से बहुत अच्छा अच्छा है भैया, अच्छा इससे स्वस्थ काम, इससे बहुत मजा आया ये काम, बहुत मजा आता है। आप लोगों को कुछ खास लगता है इनका सोडा भाई साहब? कुछ मजा आता है रोज रोज पीने आते हैं भाई साहब? मजा तो यही आता है कि गर्मी में इससे बढ़िया ड्रिंक कोई है ही नहीं। अच्छा। दूसरी बात, ये डालते जाते हैं, रुकते ही नहीं है ये। अच्छा, रुकते ही नहीं है। इनको लगता है कि जो बच रहा है डालते जाओ इनके। अरे भाई साहब, आप कहाँ मतलब कितने सिकंजी पीते हो दिन भर में ये बताओ। सर जब भी मेरे को ऐसी कुछ बेचैनी या मायूसी महसूस होती है, तो कस्टमर की जो बची हुई सिकंजी सबसे पहले मैं अपने शरीर के अंदर डालता हूँ। क्या बात है। उस एक घुटक जैसे ही मेरे शरीर में जाती है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैंने दिन भर से कुछ भी काम नहीं करा, और तरोताजगी महसूस हो जाती है मुझे। अच्छा, ये दिल बाहर मतलब ये आपकी दिल बाहर कौन है पहले से? ये दिल बाहर सर क्या, मेरे थैले का जब 97 जब मैंने ओपनिंग करी थी, जब इसका कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक साधारण सा पुराना सा थैला था, अब इस पर कोई नाम प्लेट एम्प्लेट कुछ भी नहीं थी। जब मैं लोगों को सोडा बनाता था, जो मेरे पास सोडा और भी बच जाता था, तो मैं चाहता हूँ उसको दूसरे गिलास में डिवाइड करके उसके और पैसे बना लूँ, लेकिन नहीं, मैंने ये बिल्कुल धोखा झूठ समझा। मैंने जो सोडा कस्टमर को पूरा माल डाल के उसको भली दोबारा 1.5 बार और ज़्यादा पिला के वो, तो इसलिए हर कस्टमर ने कहा भैया यार आपका दिल बहुत बड़ा है, तो इसलिए दिल बड़ा से नाम रहा नहीं, दिल बाहर नाम रह गया इसके। भैया दिल बड़ा तो दिल बाहर वाला सोडा। अगर आपको पीना है तो 9 नंबर पेट्रोल पंप पर आ जाना। अच्छा मुझे बताओ कि पूरे साल ये दुकान चलती है? सर ये 12 महीने आपकी सेवा में हम बहुत खुशी होती है कि मैं अजमेर के लोगों को मेरे हाथ से, और जो चीज़ हम पिलाते हैं इसको खुद हम इतना इस्तेमाल करते हैं, हम ये सोचते हैं अजमेर छोड़ कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे को मालूम होती है कि लोगों में एक सिकंजी की जब हम नहीं मिलते हैं, कहीं किसी कारण कहीं और चल जाते हैं, थैला बंद रहता है, तो लोगों में कैसी एक मतलब छाती है कि सोडा बंद, अब क्या करें। तो हम भी कहीं बाहर जाते हैं और सोडा नहीं मिलता हमारे थैले का,
तो हमारा कैसा दिन निकलता है ये हमारा जी जानता है सर। जी तो दिल बहार सोडा मतलब एक स्पेशल सोडा है साहब, इस दिल बहार सोडे में क्या है कि दिल भर भर के देते हैं ये, एक गिलास खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा, और पियो जी भर के पियो और जियो दिल से, जियो दिल से। चलो अब हम लोग ये सोडे को ट्राई करते हैं और आपको जब भी सोडा दिल बाहर वाला सोडा करंट वाला पीना तो 9 नंबर पेट्रोल पंप पर आइए और दिल बाहर सोडा पीजिएगा। सोडा किंग अजमेर। आज के लिए इतना ही, अब हम थोड़ा सा तृप्त हो ले, हां चलिए फिर मिलते हैं अजमेर ईशान में किसी और जगह पर। तब तक आप देखते रहिए और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, हमारे अजमेर की ईशान बढ़ती रहे। बाबा चाचा टेक केयर और धुन बदल के तो देखो, बाय बाय। Thank you.